मुंबई में संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन सभी को वह चार लोगों की वजह से सत्ता मिली है, राहगीर बस बहाना चाहते हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भाषण बता रहा था कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। जब एक पार्टी प्रसारक किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसे एक प्रकटीकरण भाषण देना होता है। संजय राउत ने कहा कि वो चार लोग जो बोल रहे हैं उनकी वजह से उनको सत्ता मिली है। वो चार लोग आज भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो चार लोग पार्टी के निष्ठावान हैं। उद्धव ठाकरे घुसखोर नहीं है, वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, वो खुद के निर्णय खुद लेते हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के भाषण पर कहा कि उनका भाषण बता रहा था कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। हमें ऐसे भाषण देने पड़े जो लोगों की भावनाओं को छू गए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बात की। अगर मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी ली है तो ये अच्छी बात है। हम कहेंगे हम शिवसेना के रूप में 100 सीटों का चुनाव करेंगे। लोगों में इस तरह की नाराजगी देखकर महाराष्ट्र में शिवसेना 100 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। संजय राउत ने कहा कि यह बाला साहब की शिवसेना है और किसी की नहीं हो सकती। किसी के बल पर आप किसी की पार्टी को इस देश में बंदी नहीं बना सकते। ममता दीदी ने कहा कि उन्हें सिर्फ पैसे से ज़्यादा मिला है, इसमें भी बड़ा एक रहस्य है, ऐसा संजय राउत ने कहा। ज्या चार लोकांमुळेच तुम्हाला कालपर्यंत सत्ता मिळाली, ते जे चार लोक जे कोणी म्हणतायत ते सतत पक्षाचंच काम करत होते, आजही पक्षाचंच काम करतायत। गेले 2.5 वर्ष काय होईना तुम्ही सत्तेत राहिला, त्याच्या आधी राहिला, तेव्हाही हे चार लोक जरा तुम्ही आज बदनाम करण्याचा प्रयत्न करताय। ते पक्षाचे निष्ठावान आहेत आणि उद्धव ठाकरे हे दुधखुळे नाही आहेत, ते बाळासाहेब ठाकरेंचे चिरंजीव आहेत। ते स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतात, बरं का? जाणाऱ्यांना फक्त बहाणा हवा असतो, कुछ भी बहाना ढूंढ लेते हैं, जिनको भाग कर जाना है वो एक बहाना ढूंढता है। आप ठीक है, आप चले गए हैं तो आप बहाने मत बताइए, आप काम करिए। मंत्री हो आप, मंत्री का काम करिए। अभी मंत्री नहीं हो, मुझे मालूम नहीं आप मंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं ठीक है देने, तो ये एक लीगल प्रोसेस होता है। आदित्य ठाकरे जी को छोड़ कर क्यों, मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं कि बाला साहब की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें नहीं दिया, बाकी सबको, इसलिए जो 14 है वो भी बाला साहब ठाकरे के ही चेले और शिवसैनिक है।